मेरे साथ जुड़ा हुआ हर बच्चा, मेरे पूरे ऑफिस टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे उतना ही रिस्पेक्ट देती है जैसे विक्की की मम्मी हूँ, वैसे मैं उन सबकी मम्मी हूँ, तो उन सबके सपोर्ट से ही कर पाती हूँ मैं। और भैया ने जैसे बोला कि साउथ में भी मैं मूवीज किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वॉज माई फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई ऑडिशन देने। मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख का मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख को मेरी फोटोशूट हुई और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये म्यूजिक हो चुका है, ये स्टूडियो से बात चल रही है, जो जो चीज़ें थी ऑलरेडी, मतलब उनकी प्लानिंग डन थी और उन्होंने बोला कि अगले महीने शूट कर रहे हैं, मतलब इसी महीने से। अब तो मुझे लगा तैयारी है। और सबसे बड़ी बात है, मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा एक्साइट करती है विक्की के बारे में वो ये कि उसका ना जो नीयत है बनाने की वो बहुत प्योर है। तो जब आदमी ना आप पूरे पूरे दम से पूरी ताकत से कोई काम करते हो ना, वो अच्छा होता ही है। जैसे सर बोल रहे हैं कि कोई टैलेंट को कोई नहीं रोक सकता, जब मैं मेरी खुद की, मतलब मैं खुद आया हूँ एक रियलिटी शो से, अब कोई ना किसी ने, हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर में आप ऑलरेडी अपने आप को अचीव किया, अपने आप को पूरा एस्टेब्लिश किया, अब वो एज अ डायरेक्टर भी करना चाह रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि वो इसमें सफल। पहले जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए विक्की सर के साथ भी, मैंने सबसे पहला काम जो है बॉम्बे में विक्की सर के थ्रू ही किया था, उन्होंने ही कास्टिंग की थी। तो तब से अब तक में बहुत फ़र्क आया है, बहुत सारी चीज़ें इंसान एक्टर सीखता रहता है करते करते। तो फिल्म की अगर बात करें तो ये फर्स्ट टाइम है और बहुत एक्साइटमेंट भी है, इतनी अच्छी टीम है हमारे पास काम करने के लिए। तो होपफुली सब चीज़ें बहुत अच्छे से आगे जाएंगी और बहुत बेहतरीन फिल्म हम एक साथ में करेंगे, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ। तो बस पूरी टीम को थैंक्स और ऊपर वाले को थैंक्स। वेब सीरीज आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनको टीवी का जो माध्यम है वो उससे जुड़ नहीं पाते हैं, कोई ट्रैवल करता है, कोई कुछ करता है, तो वेब सीरीज एक ऐसा माध्यम बन गया है। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में भी हो, कहीं पे भी हो, तो हर एक को एक कहानी सस्पेंस सीरियल देखना अच्छा ही लगता है। तो आजकल वेब सीरीज भी बहुत ज़्यादा है जिससे लोग फेमस हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। वेल जैसे कि लोग मुझे जानते हैं, जो भी मुझे जानता है, द काइंड ऑफ पर्सन आई वॉज इन द शो, जैसे कि मैं रियल लाइफ में हूँ, तो मुझे कैरेक्टर भी वैसा ही प्ले करने को मिला है। जैसे कि ये बहुत सीधा लड़का है और हु फॉल इन लव विद काव्या, तो कैरेक्टर भी इस तरह का मिला है। तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होगा, बहुत नेचुरल प्ले करना मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। एंड चाहते हो कि मतलब आप मतलब फ्लर्ट करते हो? नॉट फ्लर्ट, आई मीन काइंड ऑफ पर्सन आई एम, नहीं जी फ्लर्टी है, I'm not flirty, I mean kind of person,
बट लाइक लाइक पीपल हु नो मी दे नो मी कि मैं किस तरह का हूँ. तो मेरे लिए दिल्ली से हो गया. नहीं नहीं दिल्ली से नहीं, हिमाचल हरियाणा वहाँ से. गावे बज के रही है. नथिंग लाइक दैट. आई एम एक्चुअली अ रोमांटिक पर्सन. तो जिस तरह मुझे जब विकी ने बताया जो कैरेक्टर है और जो मेरा इसमें काव्य के साथ जो पूरा रोल है, आई वाज बताना नहीं है. हाँ नहीं बता नहीं रहा. आई एम रियली एक्साइटेड कि बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी रोमांटिक पर्सन एंड आई फील आई ऑलवेज फील लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ रोल्स. तो लड़के बताने नहीं तो आई टॉक अबाउट फिल्म नाउ. तो एज एन एक्टर हर कोई चाहता है फिल्म करना. तो इफ नॉट फिल्म तो मुझे था कि वेब सीरीज करते हैं. तो पहली वेब सीरीज एज अ लीड रोल मैंने विकी के थ्रू ही करी. तो विकी ने ही मुझे कास्ट किया था. तो मैंने एसटीडी बंगलोस वेब सीरीज का नाम. तो इट वाज अ गुड सीरीज एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी कि एज एन एक्टर बिकॉज यू वांटेड टू डू समथिंग. तो अब फिल्म मिली है तो एक और बड़ा मौका है. तो आई एम जस्ट वेटिंग कि शूट शुरू हो एंड एवरीथिंग जस्ट गो. Honestly, ये बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ. मैं जस्ट 4 months पहले आई थी तो मुझे पता है बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि बच्चे दूर दूर से आते हैं. तो उनके मैंने ऑडिशन दिए. लकली मुझे उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है. आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम. क्या कहना चाहेंगे कि इस जो वाक्य से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को भी? देखिए मैं ये कहना चाहूँगा, हम सब कलाकार हैं. हम कैमरे के सामने अपनी कला बेचते हैं. हमें अपनी आत्मा को नहीं बेचना चाहिए, हमें अपने देश को नहीं बेचना चाहिए. क्या बात है? और मैंने उनसे यही बात कही थी. मैंने कहा देखिए पैसे की जरूरत तो सबको होती है. ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे पैसे की जरूरत ना हो. मैं भी जरूरतमंद हूँ लेकिन मैं लालची नहीं. क्या बात है? लालची नहीं हूँ. जो जरूरत है सबको होती है. और मैंने कहा कि कोई दुनिया में इतना अमीर अब तक बना नहीं है जो हमारे जमीर को खरीद सके. क्या बात. ये बातें हुई और मैं अपने साथियों से यही कहूंगा, यही उन्हें मैं मशवरा दूंगा कि ऐसे लोगों से दूर रहें, हमेशा दिल की आवाज सुने. मैंने हमेशा एक बात पे अमल किया है. मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरी आत्मा के विपरीत हो. हो सकता है कि मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा उसमें, लेकिन जमीर की आवाज को कभी दबाया नहीं. हमेशा आत्मा की सुनी. जो आत्मा ने कहा वो किया नुकसान होने के बावजूद. क्योंकि जब रात को आदमी सोता है तो तब तो अपने आप से मुलाकात होती है. अपने आप से भागकर आप कहाँ जाएंगे? तो जिस तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट किया था मुझे, 25 लाख रुपया उन्होंने कहा था कि हर महीना हम आपको देंगे, आपको खाली ट्वीट करने हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए. मैंने कहा मैं पॉलिटिक्स पब्लिकली डिस्कस नहीं करता हूं. आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड आई वोंट डू इट. तो ये हुआ और अभी तो मालूम नहीं था कि ये स्टिंग हो रहा है. और बहुत से हमारे दोस्त, बहुत से हमारे साथी उसमें ट्रैप हुए. अरे 2 साल पहले का है ना सर ये? अभी नहीं, सामने नहीं, आ रहा है. ये 6-7 महीने पहले, 2 साल पहले का नहीं. वो क्या, वो मेरे ख्याल से एक्युमुलेट कर रहे होंगे, जमा कर रहे होंगे. वो बहुत टाइम से कर रहे हैं एक्चुअली. तो इस तरीके से लोगों को उन्होंने ट्रैप किया. तो मैं यही कहूंगा कि भाई देखिए लालच तो बुरी बला होती है. बुजुर्गों ने ये बात कही और कुछ बातें जो है बुजुर्गों की वो गांठ में बांध लेनी चाहिए जो जिंदगी में बहुत काम आती है. जैसे बुजुर्गों ने कहा था कि बुरी संगत से दूर रहिए. ऐसे इंडस्ट्री में बहुत से केसेस हैं कि बुरी संगत की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ा है, कैद काटनी पड़ी है. तो बुरी संगत से दूर रहें, लालच से दूर रहें और अपनी आत्मा की सुने, अपने मन की सुने. क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास है, पैसे वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो इज्जत होती है वो खुदा की बख्शी हुई होती है, वो बहुत कम लोगों को मिलती है. और उस इज्जत को बहुत संभाल के इंसान को खुद रखना चाहिए. क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कोई निकाल नहीं सकता आपके अलावा, लेकिन इज्जत का अकाउंट कोई भी चौराहे पे खड़े होके आपका निकाल सकता है. तो जो खुदा की बख्शी हुई ईश्वर का जो वरदान है इज्जत,
वो हमेशा बहुत संभाल के आती। आपके अलावा और भी कई आर्टिस्ट हैं, विजय वर्धन जी ने अशीर्वाद से उन्होंने मना किया, लेकिन बहुत ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने हमें फटे चीज के लिए उसके ना बताइए वो कितना गलत है, क्योंकि काफी सारे आर्टिस्ट को आइडल मानते हैं, जनता आइडल मानती है। भाई मैं तो उससे यही कहूंगा कि भाई आइंदा इंसान ठोकर खा के ही संभलता है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। समझदार इंसान वो होता है जो अपनी गलतियां ना दोहराए, तो आइंदा वो ऐसी गलतियां ना दोहराए और वही करें। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना जो है वो बिल्कुल सही है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करना चाहें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पैसा लेके कर रहे हैं, अगर आप दिमागी तौर पे किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं लेकिन पैसा लेकर आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, अपने आप से तो मुलाकात होती है रात को, और तो मुलाकात होना बहुत जरूरी है, तो फिर आदमी कहीं कहीं बचकर जाता नहीं, अपने आप से तो नहीं, अपनी आत्मा से बचकर तो ठीक है। हर इंसान से गलती होती है, हम में से कोई फरिश्ता नहीं, हमसे भी जिंदगी में बहुत गलतियां हुई, सबसे होती है। हम इंसान हैं, हम फरिश्ता नहीं है, हम देवता नहीं, हम अवतार नहीं है, इंसान से होती है। लेकिन बस ये है कि आगे संभल कर रहिए और ऐसे ट्रैप्स में, ऐसे हनी ट्रैप्स में ना फंसिए। बस ये मैं आपसे चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे, जैसे तारीफ के सर ने आपने इंस्पायर किया, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, इंस्पिरेशन बहुत जरूरी होता है लाइफ में, तो किस तरह से इंस्पायर किया आपने सर को डायरेक्टर बनने के लिए? एक्चुअली सर हमने शॉर्ट मूवीज की है, मैं सर को आई थिंक 3 साल से जानती हूँ, ज्यादा हो गया, 3.5 साल तो हमने काफ़ी शॉर्ट मूवीज़ की और इन्होंने भी डायरेक्ट की है उस मूवी को जब हमने किया, तो मैंने इनको बोला यार कुछ बड़ा करते हैं, मूवी करते हैं, कुछ तो करते हैं, तो हमारा प्लान तो बन गया था मूवी करने का, तो हमने बहुत सारे राइटर भी बहुत ढूंढे। हाँ, और अब बेस्ट पार्ट ये है कि राइटर हमने बहुत सारे ढूंढे और किसी की स्टोरी समझ नहीं, मैंने कहा यार तू शॉर्ट फिल्म लिखती है तो एक मूवी लिखने में क्या प्रॉब्लम है? इन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तू मूवी लिख, तो जैसे मैं इनको पढ़ती इन्होंने मुझे किया, तो मैंने भी, तो हाँ मिलजुल के ऐसी चीजें हुई, इन्होंने लिखी और फिर उसके ऊपर और काम हुआ, तोड़ा गया मरोड़ा गया उसको, कहाँ गए हमारे कल्पेश सर, कल्पेश सर ने किया, फिर जो होता है आज की डेट में मैं काफी सारे एक्टर्स के साथ मिलता हूँ क्योंकि कास्टिंग मेरा मतलब कास्टिंग तो अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा ऐसा नहीं है, बट वो है कि वो अब डिपार्टमेंट पूरा मम्मी संभाल रहे हैं, तो काफी सारे एक्टर्स के साथ हम लोगों का मिलना जुलना होता है। आज की डेट में जितने लोग ये मेरे साथ बैठे हैं सब दिल के बहुत साफ हैं और जो जुड़ा है ना, तो हर एक इंसान पूरे सच्चे दिल से जुड़ा है। मोहित भाई के लिए ये कहना चाहूंगा कि मोहित भाई ने जब हामी भरी तो ये नहीं कि उसके पास सिर्फ ये नहीं है कि भैया स्टोरी रेडी है तो मैं आगे काम कर लेता, नहीं मुझे सुनाओ। अच्छा विक्की भाई इसको हम ऐसे नहीं ऐसे करते हैं तो क्या क्या लगेगा? इन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प की हर चीज में, इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, जब भी मैं मिलने आता था इनको होमवर्क देके जाता था। हाँ, बहुत दिया आपका एक होमवर्क है, आप ये काम करेंगे। हाँ। और मैंने कहा मैं भी कुछ सोचूंगा, तो एक बार ऐसा हुआ था हमने कुछ एक चीज पे अटके थे फिल्म में, तो सबको हमने काम बांटा, हमारे कहा राइटर साहब इनको, मनप्रीत को, भाई को, हमने चारों ने काम बांटा और मैंने कहा जो भी दिमाग में आए सब लोग बताना। उसी रात को मैं मुझे रात को इनका फोन आया लगभग कोई 12:30-1 बजे के आसपास, तो कभी इनका इतनी लेट फोन आता नहीं है, जब भी आता है हमारी बातचीत होती है तो वही होता है कि यार चल मैक्स टू मैक्स 7-8 बजे तक, उसके बाद चलो अपने अपने फैमिली और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड। बेसिकली हमने वो रात को ब्रेक कर लिया था, वो एक हाँ, ब्रेक होता है ना, तो एक पॉइंट वो बहुत अच्छा था, मूवी कम्प्लीट होने के बाद बताऊंगा कि वो ट्विस्ट क्या था क्योंकि कहानी बतानी पड़ेगी अब ट्विस्ट के चक्कर में। वैसे मन तो कर रहा है आपका सबका जानने का, बट हम हमारा भी बहुत कर रहा है बताने का, बताएंगे थिएटर्स में, थिएटर्स में दिखाएंगे, हर हर महादेव। हाँ जी जी बिल्कुल, ऑफिस ओपनिंग भी हुई थी आपके हाल ही में, जी आप ही आए थे, सेलिब्रिटी आए थे और प्रोफेशनल एंड पर्सनल पे तारीफ की आपकी कि जो आप काम करते हैं बहुत प्रोफेशनली करते हैं और ऐसा कोई गलत नियत नहीं रहता है, जिस तरह से मीटू में बहुत हुआ। हां जी सर, सर मेरे यहाँ पे खत्म हो गया मीटू यार, अभी हाँ, आप वहीं पर एक फिर भी मैं कहना चाहूंगा इसके ऊपर कहना चाहूंगा, मैं अपने ऑफिस में एक कास्टिंग की लाइन के अंदर मुझे नहीं लगता कि किसी के ऑफिस में मम्मी बैठती होगी, पहली चीज मेरी मम्मी बैठते हैं, पूरा काम वो संभालते हैं, मेरा नाम ऐसे ही चल रहा है बस मार्केट में, संभाल वही रहे। और दूसरी चीज जितनी भी गर्ल्स आती हैं ठीक है, तो मेरे लिए मतलब मेरे मन में उनके लिए ऐसा होता है कि जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, राइट,
मेरी मॉम खुद एक्ट्रेस हैं, मतलब थिएटर टाइम में वो करते थे एक्टिंग, अभी भी शॉर्ट फिल्म किए इन्होंने 2-3, और इस फिल्म में भी इनको मोहित जी की मदर का करेक्टर दिया हमने, तो देखते हैं क्या होता है। और हिस्से में मकान आया, किसी हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात है। तो मी टू के लिए यही बोलूंगा भैया, जो करोगे भरना पड़ेगा, चाहे मी टू हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। आप ये चीज़ सोच के चलो कि सिर्फ इस फील्ड के लिए नहीं बोलूंगा, कास्टिंग और इंडस्ट्री को ज़्यादा बदनाम कर दिया लोगों ने, किसी भी फील्ड में अगर आप किसी लड़की के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हो तो सोच के चलो यार, आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है, और अगर आपकी सिस्टर के साथ, चलो लोग बोलते हैं हमारी बहन तो है ही नहीं, ऐसे भी बहुत सारे हैं, भैया तुम्हारी माँ तो होगी। एक ही चीज़ बोलूँगा, मत कर परेशान किसी लड़की को जालिम, पाप होगा, एक दिन तू भी किसी लड़की का बाप होगा। तो लड़कियां जो होती है ना, बिल्कुल बच्चियों की तरह ही होती है, तो उनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, और बुरी नीयत किसी की भी भैया, वो ऊपर वाला ना एक सेकंड के अंदर पटक देता है, और उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती, दर्द बहुत होता है, तो मुझे तो उस दर्द से बहुत डर लगता है, इसलिए ऐसा काम करता ही नहीं भाई। तो माँ को शायद डबल खुशी होती है, और ये ड्रीम जो मूवी का है कि हमने मिलके देखा था, आज ये कामयाबी की राह पे जा रहा है, तो प्राउड तो फील हो रहा है। और कोऑपरेशन भी करते हैं आप साथ में, वो भी एक बहुत अलग बात है। मैं कोऑपरेशन तब कर पाई हूँ कि उसने मुझे इस जगह पे लाके बिठाया, वो इतना रिस्पेक्ट देता है, तो ही मैं कर पा रही हूँ। तो हम जो एक फैमिली की तरह रहते हैं, ना सिर्फ विकी, मेरे साथ जुड़ा हुआ हर बच्चा, मेरे पूरे ऑफिस टीम, मेरी प्रोडक्शन टीम मुझे उतना ही रिस्पेक्ट देती है जैसे विकी की मम्मी हूँ, वैसे मैं उन सबकी मम्मी हूँ, तो उन सबके सपोर्ट से ही कर पाती हूँ मैं। सर आपसे चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे, और रीजनल फिल्मों में भी काम किया आपने, इसके बताया कि आजकल में रीजनल फिल्म्स का जो मार्केट है, आपने वेब फिल्म में काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको माफी मांगना चाहूंगा, मैं बहुत लेट आया और मैं यहाँ पे बैठा हुआ, मुझे आज विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, आपने जैसे बोला, मैंने काफ़ी बढ़िया फिल्म्स की हैं, और भैया ने जैसे बोला कि साउथ अभी मैं मूवीज़ किया हूँ, बट जब 8 तारीख को मैं मुंबई आया, दिस वॉज माई फर्स्ट, मैं पहली बार आया हूँ मुंबई में कोई भी ऑडिशन देने, मैं 8 तारीख मुंबई में आया, 9 तारीख मेरी ऑडिशन हुई, 10 तारीख को मेरी सिलेक्शन हुई, 11 तारीख मेरी फोटोशूट हुई, और 12 तारीख मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये कुछ नहीं हो सकता, ये इट्स जस्ट लक। सर ने जैसे बोला, रजा सर, आई एम सो सॉरी, मैं तो पहले लेट से आया हूँ, रजा सर जैसे बोले कि इट्स अ मैटर ऑफ लक, लेडी लक, आज तक तो लक साथ दे रहा था कि नहीं दे रहा था वो विकी भाई बेटर जानते हैं, बट आज सच में लेडी लक हैज स्माइल्ड ऑन मी, एंड ऑल द मीडिया फ्रेंड्स दैट हैव कम हियर, एंड ऑल दोज हु हैव, जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, सुचित, सनी भाई, मोहित भाई, दे आर ऑल माई सीनियर्स इन द इंडस्ट्री, ये जिस मकाम में है आज अपने मेहनत के बलबूते पे है, और मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड एंड वेरी हम्बल्ड। सनी सर के बारे में एक बात बता, सनी भाई के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, मैंने वो सनी भाई जब आए थे पहली बार, मैंने सोचा कि भैया कुछ कैरेक्टर रोल करें, लेकिन मुझे खुद, मतलब सिंस आई कम फ्रॉम अ सिटी लाइक कटक, क्वाइट अ स्मॉल सिटी, टू सिटी है, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, आई वुड लाइक टू कन्फेस ऑन इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे रात में शुभम, जो कि मेरा दोस्त है, वो उसने बोला, भैया आपको कुछ पता है, आप किसके साथ मिलके आए हो, मैंने बोला मेरे को क्या पता यार, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं जब नेट पे सर्च किया तब मैं हाथ लेके बैठ गया, मैं किन किन लोगों से मिल के आया हूँ। वैसे ही बात है, लाइफ में मेरी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आई वुड लाइक टू थैंक, पहले तो विकी भाई, लव यू ब्रो, लव यू, आपका और मेरा एक इंडिविजुअलिस्टिक पार्टी होगा और इंटीमेट बातें भी होंगी। I am very privileged, and thank you for all coming here and giving me the support that I needed. Okay.